family is very happy to be with you here with you again today. मेरे परिवार वालों यहाँ पे आप सब के बीच में रहना वापस अच्छा लग रहा है मुझे. We just thank the Lord for making it possible for you for us to be here. धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि उसने संभव किया है कि मैं आज यहाँ पे हूँ. As a brother talked about being faithful. भाई ने आज ईमानदार रहने का बोला है. I want to talk to you about having faith. और मुझे उसके पहले विश्वास रखना रखने के बारे में बोलना है. So let's turn to Matthew chapter 17. तो मत्ती चैप्टर 17 में जाएंगे. मत्ती चैप्टर 17. And read verses 14 to 21. और वहाँ पे वाक्य 14 से 21 पढ़ेंगे. 14 से 21. So Jesus is saying to the people that because they did not have faith, they could not cast out the demon. यहाँ पे प्रभु यीशु आके लोगों को ये बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था इसलिए तुम ये दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सके. And he said, if you have even the faith as little as a mustard seed, you can say to the mountain, move, and the mountain will move. और वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राय के बीज के समान भी हो तो तुम एक पहाड़ को बोल सकते हो कि तुम यहाँ से हट जाओ और पहाड़ हट जाएगा. He said the same thing in Matthew chapter 21. मत्ती चैप्टर 21 में उन्होंने यही चीज बोला था. In verse 21. वाक्य 21 में. मत्ती चैप्टर 21. मत्ती चैप्टर 21 उसमें वाक्य 21. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो आप केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पर्वत से भी कहो फट जा और समुद्र में जा पड़ तो वो So again, Jesus was saying, if you can say to the mountain, move from here, the mountain will move. यहाँ पे प्रभु यीशु आपसे बोल रहे थे कि अगर तुम ये पहाड़ को बोलोगे कि तुम यहाँ से हट जाओ तो हट जाएगा. So I want to ask you, have you ever tried to move the mountain? तो मुझे पूछना है यहाँ पे आज लोगों से कि क्या कभी भी आप लोगों ने पहाड़ को हटाने की कोशिश की है? You have even the faith of a mustard seed. क्या एक राय के बीज के समान भी विश्वास है हमारे मन में? I have not heard of anyone moving a mountain, have you? मैंने आज तक कभी सुना नहीं कि कोई व्यक्ति ने कोई पहाड़ को हटा दिया. I mean, we read lots of stories about, you know, faith of people in the past, but we don't read of anyone actually moving a mountain. कई बार हम लोग विश्वास की कहानियां पढ़ते हैं जो पूर्वजों में था, लेकिन आजकल की दुनिया में कभी हमने सुना नहीं कि कोई व्यक्ति ने एक पहाड़ को हटा दिया है. But Jesus doesn't say things just for the sake of saying it. लेकिन प्रभु यीशु बस बोलने के लिए चीजें नहीं बोलते. So what was the meaning of what Jesus was trying to say, to move a mountain? तो यहाँ पे जो प्रभु चीज़ बोल रहे हैं कि एक पहाड़ को हटाना है, उसका अर्थ क्या है? Of course, God will only allow mountains to be moved if it somehow brings Him glory. प्रभु यीशु अनुमति दे सकते हैं एक पहाड़ हटने के लिए, लेकिन वो उसकी महिमा के लिए होनी चाहिए. If I was able to move mountain, I would get the glory. अगर मैं एक पहाड़ को हटा सकूंगा तो वो मुझे महिमा मिलेगी. Because people would come to me as if I'm some great man. तो फिर लोग मेरे पास आएंगे ये सोचे कि मैं बहुत ही महान व्यक्ति हूँ. Even if I tell them it's God who moved the mountains. इसके बावजूद कि मैं उनको बोलूँगा कि प्रभु ने पहाड़ को हटाया है. They will still think that it's because of me, not because of God. वो लोग फिर भी सोचेंगे कि हाँ क्योंकि मैं महान व्यक्ति हूँ इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु महान है. So what was Jesus trying to say? तो यहाँ पे प्रभु यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे? Let's look at Mark chapter 2. मार्कस चैप्टर 2 में जाएंगे. मार्कस चैप्टर 2. Read verse 1 to 12. वाक्य 1 से 12 पढ़ेंगे. मार्कस चैप्टर 2 वाक्य 1 से 12. So Jesus actually performed two miracles in this little story here. तो ये छोटी कहानी में प्रभु यीशु ने दो चमत्कार किए थे. What were the two miracles? दो चमत्कार क्या थे? Forgave his sins. एक तो उन्होंने पापों को माफ किया. Second one. दूसरा. He healed him physically. उन्होंने उसको शारीरिक रूप में भी चंगाई दी. Which was the bigger miracle? तो इन दोनों में से ज्यादा चमत्कार वाली चीज कौन सी थी? Forgiveness of sins, but the Pharisees did not think that that was such a great thing. और वो सबसे बड़ी चमत्कार ये थी कि उन्होंने पापों को माफ किया, लेकिन जो शास्त्री यहाँ पे थे उनको लगा कि नहीं ये इतनी बड़ी चीज नहीं है. But because they thought that anybody can say I forgive sins. क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि कोई भी बोल सकता है कि मैंने पापों को माफ कर दिया है. There was no way to prove that someone's sins are forgiven. और उसको साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि किसी के पाप माफ हो चुके हैं.
So Jesus only did the physical miracle of healing him to prove that he had the authority to also forgive his sins. तो प्रभु ने वो शारीरिक रूप में चंगाई देने का चमत्कार इसीलिए किया ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उनके पास अधिकार है पापों को माफ करने के लिए उनका करने का भी. So what Jesus was showing in this little story is that your spiritual healing is much more important than your physical healing. तो ये कहानी में प्रभु यीशु ये दिखा रहे थे कि जो तुम्हारा आत्मिक चंगाई है वो तुम्हारे शारीरिक चंगाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. So now going back to the removing mountains. तो हम लोग वापस जाएंगे वो उदाहरण पे जहाँ पे पहाड़ को हटाने के बारे में बात कर रहे थे हम लोग. The using the example of that story, the physical mountains are not what Jesus wants to move. It's the spiritual mountains that he's trying to move. तो जब ये कहानी को हम लोग वहाँ पे लागू करते हैं हमें ये मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु जो बाहरी पहाड़ है उसको हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है लेकिन जो आत्मिक पहाड़ है उसको हटाने में दिलचस्पी रखता है. If there's any mountains in your heart, what are those mountains? अगर तुम्हारे मन में कोई पहाड़ है तो क्या पहाड़ हो सकते हैं? There's a mountain of hatred maybe in some people's heart. हो सकता है किसी किन लोगों के मनों में कुछ लोगों के मनों में नफरत का पहाड़ हो. There's a mountain of anger in some people's heart. कुछ लोगों के मनों में गुस्से का पहाड़ हो. In some people there's a mountain of lustful desire. कुछ लोगों के मन में हवस या गंदी चीज गंदी नजर से देखने का पहाड़ हो सकता है मन में. So we have lots of different mountains that stop us from our relationship with God. तो कई सारे ऐसे पहाड़ हो सकते हैं हमारे मन में जो हम लोग को एक सही रिश्ता रखने से रोक सकते हैं प्रभु की ओर. So Jesus was saying there are so many mountains in your life. If you just have faith in even the grain of a mustard seed, you can say remove the mountain and the mountain will be removed. प्रभु यीशु बोल रहे थे कि तुम्हारे मन में तुम्हारे आत्मिक जीवन में इतने सारे पहाड़ है अगर तुम्हारे पास वो राय के बीच समान भी अगर विश्वास रहेगा तो तुम बोल सकते हो कि ये पहाड़ तो हट जाए और वो हट जाएगा. So if there's a situation that comes up and you feel angry inside. तो अगर कोई परिस्थिति आए और तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है. If you have even a little bit of faith, you can say, God, please remove this mountain of anger. तो उस समय अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी विश्वास रहेगा तुम बोल सकते हो कि प्रभु ये पहाड़ गुस्से का तू निकाल दे. And God will remove that mountain of anger. और प्रभु पहाड़ के गुस्से के पहाड़ को निकाल देगा और फिर वो पहाड़ की जगह पे एक रिवर रहेगा नदी रहेगा जीवन का. And that river of life can touch the life of that person that's making you angry. और वो जीवन में जो नदी रहेगा वो दूसरे व्यक्ति को छू सकता है जो उस समय तुम्हें गुस्सा दिला रहा है. Instead of giving into that mountain of anger and causing a problem between two people, that river of life can give life to the other person. तो इससे अच्छा कि हम लोग वो गुस्से के पहाड़ के नीचे आ जाए अगर वो प्रभु के जीवन का नदी अगर दूसरे व्यक्ति की ओर जाएगा तो फिर हमारे बीच संगति हो सकती है और प्रभु को महिमा मिल सकती है. Some of us have mountains of ambition or careers that we are trying to overcome. कई बार हम कुछ लोगों के मन में दुनिया में सफल होने का एक पहाड़ हो सकता है कि हम लोग हमारे काम में अच्छा करें. And those mountains are blocking us from our relationship with God. और वो जो पहाड़ है हमारे प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसके बीच आ रहे हैं. We can ask God to give us a little faith that we can ask those mountains to be moved out of the way. हम लोग प्रभु से बोल सकते हैं कि आप हमें थोड़ा विश्वास दीजिए जिसके द्वारा हम लोग ये पहाड़ को हमारे जीवन से हटा सकते हैं. So it doesn't take much, it just takes a little bit of faith to trust God to move mountains in our life. तो बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है बस थोड़े विश्वास की जरूरत है और उसके जरिए हम लोग प्रभु के द्वारा सारे पहाड़ों को हटा सकते हैं. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.